सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासिन मलिक की व्यक्तिगत पेशी पर नाराजगी जता दी है। साथ ही कहा है कि जब कोई आदेश पारित ही नहीं किया गया तो उन्हें यहां क्यों लाया गया है। दरअसल प्रशासन की तरफ से एक ब्लंडर मिस्टेक हुआ है जिस पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी नाराजगी जाहिर की गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यासिन मलिक की पेशी पर चिंता जताई है। दरअसल तिहाड़ जेल के अधिकारियों की ओर से कड़ी सुरक्षा के बीच मलिक को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट जम्मू की कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि जस्टिस दत्ता इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान मलिक अदालत में मौजूद था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि शीर्ष अदालत द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था कि यासिन मलिक को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है, वो हाई रिस्क वाला कैदी है, उसे जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इस आशय का एक आदेश पारित किया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की बेंच को आश्वासन दिया कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रशासनिक कदम उठाए जाएं कि भविष्य में उन्हें इस तरह से जेल के बाहर नहीं लाया जाए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने यह भी बताया कि शीर्ष अदालत के आदेश की गलत व्याख्या करने पर जेल अधिकारियों की ओर से मलिक को जेल से बाहर लाया गया। बेंच से ये साफ करने का अनुरोध किया गया कि इस तरह का कोई आदेश नहीं है। इस पर न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि वो कोई आदेश पारित नहीं कर सकते क्योंकि वो मामले की सुनवाई नहीं कर रहे। इस तरह के आदेश दूसरी बेंच से मांगे जा सकते हैं। वहीं जस्टिस कांत ने कहा है कि यासिन मलिक वर्चुअल मोड के जरिए कोर्ट में पेश हो सकता है, ये सभी के लिए सुविधाजनक है। इस पर जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। बेंच ने 4 हफ्ते बाद उस बेंच की समक्ष सुनवाई तय की है जहां जस्टिस दत्ता सदस्य नहीं है। यासिन मलिक फिलहाल टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को लिखे पत्र में कहा कि यह गंभीर सुरक्षा चिंता का मामला है कि यासिन मलिक को बिना किसी आधिकारिक आदेश के सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। एसजी ने कहा है कि यासिन मलिक भाग सकता था या मारा जा सकता था, ऐसे में जिस स्तर पर लापरवाही हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।